साहिब बलवान का जो आज आया थे जो फ्रांसी जो प्रजा जो प्रांत चलाए गए थे वास्ते सरकार को चौदवी साल के मुकसद का संत समाज वालों मोह संतान ने सहदेव जी भाई बलराम सिंह राजवाणा की फांसी के संबंध में आप जी के वचन सुनाउण दे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का खालसा मार्च भाई बलवंत सिंह जी राजोआणा जिन्होंने पिछले दिनी सरकार ने उन्हां दी फांसी का दिन नियत करके सिख हिरदे वलूंदर के रख दिते और जिथे जिथे गुरु का सिख बैठा उत्थे उत्थे भारी मना च रोस पाया जा रहा है। अज दमदमी टकसाल शब्द गुरु प्रचार संत समाज के वख वख महापुरख जथेबंदियों वालों और श्रोमणी अकाली दल माण दल वालों सिख यूथ फैडरेशन के नौजवान वीरां वालों पटियाला शहर च गुरद्वारा मोती बाग तो ये खालसा मार्च प्रदर्शनी आरंभ करदिया होया
गुरद्वारा दूख निवारण साहब जेल के अगों की लंघ के गुरद्वारा दूख निवारण साहब ये खालसा मार्च शब्द गुरु प्रचार संत समाज के सारे महापुरख ये विशाल मार्च कढ रहे हैं। असी अन्नी बोली सरकार नूं दसना चाहते हैं। संत बाबा जरनैल सिंह जी क्या करते सी भी सिख अज भी गुलाम है, अज भी सानू गुलामी का एहसास करवाया जा रहा है। सिख नौजवानों 25-25 साल तो जेल दियां काल कोठियां च साड़िया गालिया जा रहा है। सिखां दे कातल अज भी दंद नाउंदे फिरदे ने, उन्हां नूं एक दिन की भी कोई सज़ा नहीं, किसी के वास्ते कोई भी ऐसा कोई गल नहीं, लेकिन सिखां वास्ते फांसी के फंदे तैयार ने और सिखां नूं लंबे अरसे तो जेलों च साडे वीरां नूं बंद किया होया है। असी इस सरकार नूं दसण वास्ते कि वीर भाई बलवंत सिंह नूं बिना शर्त रिहा करो, अते जिहड़ी सिख नौजवानी पिछले लंबे अरसे तो जेलों दीआं काट कोठरियां ते तसीहे चल रही है, उन्हां समुचे वीरां दी रिहाई करो। और असी नहीं चाहते कि पंजाब च कोई खल्लर पवे, अमन शांति बहाल रहनी चाहिए है, सानू सिखां नूं इनसाफ मिलना चाहिए है। असी इस सरकार के कन्नां तक पहुँचाउण वास्ते थावां थावां ते सिख मुजाहरे कर रहे हैं, तो असी भी खालसा मार्च कढ रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ठीक है जी, मैं आपको लेके आ जाऊंगा।